उसके बाद सामने एक काले लिबास में एक मोटरसाइकिल है, मैं उसके पास पहुंचने वाला हूं। बाईं तरफ फसलें खड़ी हैं, चमक रही हैं, पीला रंग नुमाया है, हल्का सब्ज शेड भी है। दाएं तरफ वो दूर एक शेड है, दीवारें कोई नहीं है, पता नहीं वो क्या है। एक जोड़ा मोटरसाइकिल पे गुजर गया है, गुजरा वाले की तरफ जा रहे हैं, माशाल्लाह बारकल्ला फैमिलियाँ जा रही हैं मोटरसाइकिल पे। उसके बाद स्मोक के वाले से महकमा ज़रात ने लिखा है कि धान की बागियात को आग ना लगाएं, लेकिन आग लगी होती है। ठीक है, मैंने कई जगह पे देखी है, बहुत जगहों पे आग लगा चुके हैं लोग। ट्रैक्टर ट्राली है, उस ट्राली के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली ट्राली है। उसके बाद एक जंप है, कोई निशानी नहीं है। अचानक चक निज़ाम बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है। उसके बाद माशाल्लाह लिखा है स्टॉल के ऊपर। उसके बाद क्या है, उसके बाद जनाब मस्जिद के स्पीकर हैं, तो यकीनन यहाँ पे मस्जिद भी होगी। हाँ, जामे मस्जिद अल मेराज है, लेकिन क्योंकि कोई मीनारा वगैरह नहीं था, मेहराब नहीं था, तो इतना गौर से देखने पे पता चलता है। उसके बाद सिंधु सुपर स्टोर है, या सिद्धू था या सिंधु था, वैगन है, और मोबाइल पे बात करता हुआ एक कार का ड्राइवर है। उसके बाद सामने एक मज़दा है, तो मैं सड़क पे देखते हुए रास्ता छोड़ रहा हूँ, मोटरसाइकिल वाले को ज़्यादा जल्दी है। उसके बाद दीवार पे लगे हुए गोबर के उपले हैं, छोटे छोटे दो बच्चे और एक छोटी बच्ची है। उसके बाद रहमान बिल्डर्स की तैयार छतें, बाउंड्री वाल, ला इलाहा इल्लल्लाह, या हय्यू या क्यूम, या कोई दफ्तर है शायद, या फैक्ट्री है। हाँ जी, फैक्ट्री है ये, माशाल्लाह बारकल्ला। डोनेशन का वो चंदा बॉक्स लगा है सड़क के ऊपर, शायद ये दावत इस्लामी का, देखने में ऐसे लग रहा था। उसके बाद वो एक सुरख दुपट्टे वाली फैमिली जा रही है मोटरसाइकिल पे दूर। उसके बाद दाएं तरफ अनाज की बोरियों के ढेर लगे हैं। उसके बाद बाएं तरफ एक हल्के पीले पेंट वाली बिल्डिंग है, जो खेत के दरमियान में है। पीछे कोई बंदा नहीं है, मैं इसको ओवरटेक करने लगा हूँ। सामने से एक छोटी गाड़ी आ रही है, सरदार राइस मिल्स है। उसके बाद दो ट्रांसफार्मर है, दो टेढ़े मेढ़े खंभे हैं। स्टॉल में कोई चीज़ बिक रही है, लोग उसको ख़रीद रहे हैं। मोटरसाइकिल पे आदमी खड़ा है, ये बेच रहा है शकरकंदी है, लीमू, सलाइयाँ उसके अंदर घुसाई हुई हैं, जैसे जादू टोने वाली होती हैं। चीमा फिलिंग स्टेशन है, सामने एक वैगन है, मोटरसाइकिल पे दो आदमी हैं, जामे मस्जिद अल हादी है, तीन चार बच्चे और एक आदमी है मोटरसाइकिल पे। और उसके बाद एक ज़्यादा रफ्तार से जाता हुआ 125 CG है। उसके बाद टायर शॉप है, क्योंकि सड़क के किनारे टायर रखे हैं। उसके बाद रिक्शा है, उसके बाद फूल ऑटो सर्विस है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जनाब घोड़ा गाड़ी वहाँ से आती हुई। पंजाब द पंजाब ग्रामर स्कूल है, चारपाइयाँ है, होटल है। उसके बाद एक फैमिली है 125 पे, जिसकी नंबर प्लेट नहीं है। आदिल मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। इतनी मोटरसाइकिल्स बगैर नंबर प्लेट के मैंने देखी हैं कि मुझे लगता है कि हम ज़्यादा डरते हैं और लोग बेखौफ हैं। लाइफ टाइम स्टूडियो है, शाहजी मोबाइल है, महमूद मेडिकल स्टोर है। बस सड़क के बीचों बीच खड़ी है, साइड से ओवरटेकिंग है। उसके बाद यौमे दिफा है पाकिस्तान, एक मोटरसाइकिल शायद 100 CC थी। उसके बाद नारोवाल गुजरा वाला का टोयोटा है, यानी कि वैगन जिसको हम लोग कहते हैं, हम इसको टोयोटा भी कह लेते हैं। खालिद ऑटो स्पेयर पार्ट है, 70 CC मोटरसाइकिल है, एक और बगैर नंबर प्लेट के। उसके बाद खालिद ऑटो स्पेयर पार्ट है, मोहम्मद अली फॉर्म सेंटर है। उसके बाद साकिब गैस एजेंसी है। उसके बाद काले से पतीले हैं, पकवान सेंटर है। उसके बाद चीमा सुपर स्टोर है, फैमिली हॉल है, मुगल आइसक्रीम रशियन ऐसा कुछ लिखा था, डेरा है। उसके बाद जंप है, खड्डे हैं। उसके बाद लोडर रिक्शे में कुछ सामान है, टाइलें हैं, किसी के घर जा रही हैं। चोजी कंक्रीट कंपनी ऐसे करके कुछ लिखा है। जेरे तमीर बिल्डिंग है, अलाइड स्कूल है, ऑक्सफोर्ड है।